नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ की बात। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। रुड़की में नकली दवाइयों के गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए उनकी गैंग के सदस्यों की करोड़ों की संपत्ति को सीज कर दिया है। रुड़की के भगवानपुर थाना पुलिस ने नकली दवाइयां बेचकर अर्जित की गई संपत्ति पर एक्शन लिया है। पुलिस ने गैंग लीडर विशाल और गिरोह के सदस्य पंकज की करीब 4.5 करोड़ की संपत्ति को सीज किया है, जिसमें फैक्ट्री, मकान और कृषि भूमि शामिल है। भगवानपुर थाने में दर्ज NDPS एक्ट के तहत और जो इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत एक कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो मुख्य अभियुक्त थे विकास, विशाल और पंकज, इनके विरुद्ध जो प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई की गई, करीब 4.5 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी कल इनकी सीज की गई है। और इसी तरीके के जो कारोबार में जो भी लोग संलिप्त हैं उनके विरुद्ध हम सख्त एक्शन ले रहे हैं और आगे और भी लोगों के खिलाफ जो इस तरीके से जिन्होंने अपनी संपत्ति अर्जित की है उसकी हम लोग प्रॉपर्टी सीजर की कार्रवाई की है। बता दें, अवैध कार्यों पर लगाम लगाने के लिए अब पुलिस सख्त हो चुकी है, जिसके चलते पुलिस के द्वारा नकली दवाइयां बेचकर करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित करने वाले गिरोह के गैंग लीडरों पर एक्शन लिया है, ताकि अवैध कार्यों पर लगाम लगाई जा सके। नकली दवाइयों की वजह से मरीजों को भी खतरा बना हुआ था कि कहीं ये नकली दवा खाकर उनका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, लेकिन पुलिस ने नकली दवाइयां बेचने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर यहीं तक थी, इसके साथ आप देखते रहिए इंसाफ की बात।